मुंडावर थाना प्रभारी राजीव डूडी की कार्यशैली से नाराज विधायक ललित यादव ने गुरुवार दोपहर से थाने के समक्ष धरना शुरू किया। विधायक का कहना है कि थाना प्रभारी कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, साथ में एक तरफा कार्यवाही भी लॉ ऑर्डर के माफिक नहीं है। विधायक ने थानाधिकारी पर अवैध वसूली भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि थानाधिकारी ने अवैध वसूली के लिए अपने दलाल छोड़ रखे हैं। विधायक के सात दर्जनों ग्राम पंचायत के सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए। देखिए, लंबे समय से पुलिस के यहाँ इंचार्ज सीआई के द्वारा इलाके में भ्रष्टाचार का आलम बड़ा किया हुआ है। आए दिन लोगों से वसूली की जा रही है, लोग ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं, जो बेचारे खुद का मकान चिकने को बजरी भर लाया, कोई मिट्टी डाल लाया, कोई पत्थर डाल लाया, उसको लाके रात को बंद करते हैं। एक दो दलाल छोड़ रखे हैं जो पंचायत समिति से लेकर पूरे इलाके में दलाली काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर उनके पास जब पैसा जमा हो जाता है वो ट्रैक्टर छोड़ देते हैं। अच्छा, ये काम केवल सीआई कर रहा है, जो मैं लंबे समय से देख रहा हूँ इसकी कार्यशैली को। यहाँ दलाली का काम चल रहा है, जो मंथली देता है उसका ट्रैक्टर चल रहा है, जो मंथली नहीं देता उसका नहीं चलता। कानून सबके लिए बराबर है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सबके बंद करिए, अगर गलत काम नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से मत पकड़िए। केवल गलत तरीके से वसूली करने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। कल शाम को ट्रैक्टर पकड़ा है जो अब तक थाने पे खड़ा है, और केवल इसलिए पकड़ के लाए घर के अंदर निकाल करके, एक दिन पहले बनेटी से लेकर के आए, घर के अंदर से निकाल कर ट्रैक्टर लेकर के आए। तेरे नाक के सामने अवैध खनन हो रहा है, आगे और पीछे तुझे दिखता नहीं है, लेकिन जानबूझ करके दलाली की नीयत से यह आदमी जहां भी रहा है इसका आलम ऐसा ही रहा है। इसलिए कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और धरने पर बैठे हैं। जब तक कोई आला अधिकारी आकर के संतोषजनक जवाब नहीं देता है, इन खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, हम लोग चाहे बैठना पड़े महीनों ही बैठेंगे डट करके और मुकाबला करेंगे। जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है कि हमारा प्रहरी बनकर मैं रक्षा करेगा, मैं करने काम करूंगा, और फिर भी नहीं तो बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। इस धरने से काम नहीं चला तो जन आंदोलन करेंगे। इस सीआई से मिलने के लिए वो जयपुर जाकर सीएम से मिल सकता है, डीजी से मिल सकता है, इससे नहीं मिल सकता। कितना बड़ा खुदा है तू भाई, लोग आते हैं बाहर के बाहर भगा दिया जाता है। अरे भाई तेरा काम क्या है यहाँ? तेरा काम है जनता की सुरक्षा मुहैया कराना, उसकी समस्या को सुनना, लेकिन ये ऐसे बैठता है जैसे ये डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा भेज रखा हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी बात कहना चाहता हूँ, रवैया नहीं सुधरा तो हम सबको सारे काम आते हैं। हमने आंदोलन किए आज से लेकर जयपुर से लेकर यहां तक की, और जो इनके दलाल वो भी सुन ले आज कि कहीं पंचायत समिति से लेकर यहां तक तुम दलाली कर रहे हो, एक एक ईंट उखाड़ कर दिखाऊंगा तुम्हारी। मैं मेहरबानी से बनकर नहीं आया, मैं जनता की मेहरबानी से बनकर के आया हूं, जनता के आशीर्वाद से बनकर के आया हूं, जनता की गाड़ी कमाई को